हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है और आज इनका वीकली ऑफ भी है। तो देखते हैं आज ये क्या क्या डिमांड करते हैं। ऐसे तो घर पर रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही फरमाइश होता है कि ये आज बनाना है, और छुट्टी में तो वैसे भी ज़्यादा काम हो जाता है। और आज ये तो घर पर है तो कुकिंग भी आज कुछ ज़्यादा ही होगा। ऐसे ये रहते नहीं हैं तो कुकिंग में ज़्यादा करती नहीं हूँ। तो यहाँ पर तो अभी सुबह हो रहे हैं और अभी ये सोए हुए हैं। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक से भी आ गई हूँ। सुबह गई थी मॉर्निंग वॉक और बस आधे घंटे में मैं आ गई। और यहाँ पर काबली चना को मैं कल रात को ही भिगो के रख दी थी, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। तो इसमें चाय पत्ती का पोटली बना के इसको मैं अभी बॉयल करूँगी। तो एकदम धीमा करके छोड़ दी हूँ गैस को, और ये अपना बस 5 से 6 सीटी में अच्छे से ही गल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी तक सोए हुए हैं और 8:10 हो गया है। और अभी आवाज़ लगाएं कि बस तुम चाय बनाओ, तो बस इनको अभी पानी दे दिए हैं। और जब तक ये पानी पी रहे हैं तो यहाँ पर चाय भी इनका तैयार हो गया है, गुड़ वाली। तो अब इनको चाय दे दिए, और जब तक झाड़ू और पोछा मेरा सारा कुछ अब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे कोना साइड डस्ट हो गया था और जमा हुआ टाइप का हो गया था। तो अच्छे से आज सब जगह लगा लेते हैं, क्योंकि कोने साइड ही ज़्यादा गंदगी हो जाता है और वहाँ से महक देने लगता है। तो यहाँ पर अच्छे से आज पोछा लगाऊंगी, ज़्यादातर तो कोने में, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं से आ जाती है। तो एक बार तो कम से कम डीपली आपको पोछा लगाना ही चाहिए। तो यहाँ पर सभी जगह लगभग हो गया है और बस ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये हाथ से लगाना नहीं है और ये डंडे से तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। पहले पता नहीं मम्मी लोग कैसे कर लेती थी, मैं तो जब भी लगाऊंगी तो ऐसे डंडे से ही लगाती हूँ। तो इजी हो जाता है सारा काम भी और जल्दी जल्दी भी हो जाता है। तो अभी इधर बाहर साइड लगा लेती हूँ, और बाहर साइड तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है इधर, तो इसको भी मैं 2-3 बार ऐसे पानी से अपना साफ़ कर देती हूँ। तो अच्छा से इधर भी साफ़ हो गया है। और डेली आप ऐसे डीपली लगाओगे तो उतना गंदा होगा नहीं, तो कभी कभी झटपट में थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, कहीं कहीं कॉर्नर में ज़्यादा ही रह जाता है। और इधर मैं सोची कि नहाने जाऊंगी, तो इधर मेरा हो भी गया है, 5 से 6 सीटी में ये अच्छे से गल गया था। अब इसको स्ट्रेनर में ऐसे छान के रख देती हूँ। तो ये जाली वाला था तो यहाँ पर इसको बस छान के रख दिए हैं। और चाय पत्ती डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, कलर भी अच्छा आता है, इसीलिए चाय पत्ती डाली। ऐसे आप नहीं भी डाल सकते हैं, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने देख लीजिएगा। और मैं कभी कभी नहीं भी डालती हूँ, ऐसे मैं कभी डाल भी देती हूँ। तो यहाँ पर बस काबली चना का सब्ज़ी बनाऊँगी, और रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज पापड़ी बना के मैं कल ही रखी थी। तो यहाँ पर पापड़ी चाट हम लोग आज सुबह खाएंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर सब्ज़ी में अभी थोड़ा सा टमाटर डाल देते हैं, और अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा सब्ज़ी बनेगा, क्योंकि अब इसमें कुकर में डालूंगी नहीं, क्योंकि चने जो है बहुत अच्छे से मैं बॉईल कर दी थी उसमें, ऐसे भून के फिर मैं कुकर में डालती थी। तो कुकर में डालूंगी नहीं, ये कढ़ाई में ही अच्छा से हो जाएगा। और बार बार मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी नहाने, लेकिन काम इतना ही हो जाता है। ये अभी बगल वाले जो भैया थे वो चिकन लेके आ गए हैं, तो अभी सभी के लिए, 4 आदमी के लिए मुझे अभी चिकन बनाना है। तो हम लोग 2 और वो लोग भी 2 थे, तो यहाँ पर चिकन बिरयानी आज बनाना है। तो अब उसी का तैयारी करना है, अब इसको मैरिनेट करूँगी तभी तो मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो इसीलिए अब इसको मैरिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन और मिर्ची ये सब सब पीस ली थी, और यहाँ पर 1 kg ये चिकन था। तो इसको मैरिनेट अच्छे से कर देते हैं, और कम से कम आधा घंटा इसको छोड़ेंगे, तब तक मैं नहा के भी आ जाऊंगी। तो यहाँ पर चिकन और ये मसाला था ये सब डाल दी हूँ, और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, कलर वाला, ये तीखा नहीं है। ऑलरेडी मैं इसमें मिर्च डाली हूँ, और इसमें हरी मिर्च भी डालूंगी अभी, तो अभी डाली नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं डाल रही थी बिरयानी का मसाला,
और देखिए इसमें क्या मसाला पड़ता है वो भी आपको बताती हूँ। इसमें नमक मैं डालूँगी और स्वाद अनुसार अपना आप नमक डालिएगा। हल्दी डाली हूँ और इसमें गोलकी, जीरा और धनिया का ये पाउडर है, साथ में सारा मिक्स करके रख दी थी तो वो मैं डाल दी हूँ। और इसमें अब दही डालेंगे तो इसको थोड़ा मिला लेते हैं। अब ये दही है तो एक कटोरी इसमें दही डाली हूँ, ये छोटा वाला कटोरी से, और ये बस इतना ही इसमें लगेगा। और अच्छे से मैरिनेट हो गया था तो इसको आधे घंटे के लिए मुझे छोड़ देना है। और उधर चावल जो है वो भी धो ली थी और बस उसको छोड़ दी हूँ आधे घंटे के लिए, उसको भी छोड़ दूँगी। इधर बस थोड़ा सा टाइम मिला था तो बस मैं नाश्ता कर ली। और आज कुछ ज़्यादा ही किचन में काम है, दिन भर तो आज हो जाएगा क्योंकि चिकन बिरयानी बनाना है तो इसमें काफ़ी वक्त भी लगता है, ज़्यादा तो प्रिपरेशन में लगता है, बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल आधे घंटे में हो जाता है। आप बस उसको सजा के अच्छा से रख दो धीमा करके तो वो अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर प्याज भी मैं स्लाइसेस में काटती थी, बिल्कुल पतले पतले काटना है क्योंकि प्याज को मुझे फ्राई करना है यहाँ चिकन बिरयानी में डालने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में चढ़ा ली थी और इसी इसी कढ़ाई में अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करना है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्याज ली थी, कम से कम 1 kg मैं प्याज ली हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद थोड़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर चिकन मेरा 1 kg था और इसमें 1 kg प्याज मैं डाल रही हूँ। तो इसको बिल्कुल पतला पतला काटे थे ताकि ये बहुत अच्छे से भुंजा जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हल्का सुनहरा हो गया है और थोड़ा इसको कर लेते हैं, उसके बाद बस इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज कितने अच्छे से फ्राई हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फ्राई करना है। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो साइड कर देते हैं और बस उसके बाद इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी। तो आज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है क्योंकि वो लोग 2 जन हैं, जेंट्स, और इधर हम लोग ज़्यादा 2 है तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा, इस कढ़ाई में होगा तो नहीं, तो इसलिए मैं 2 बार बनाऊंगी। तो यहाँ पर उनके लिए एक बार मैं चिकन बिरयानी बना दी थी और अभी रायता नहीं बनाई है तो रायता और चिकन बिरयानी दोनों मैं उनको दूंगी। और यहाँ पर मैं अब अपने लिए बना रही हूँ चिकन बिरयानी, तो ये देख सकते हैं कि ये वाला चिकन बिरयानी बना हुआ है और उनके लिए बना दी, और इधर मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो अभी चावल को मैं बॉईल कर रही हूँ, तो ज़्यादा चावल को बॉईल करना नहीं है, बस थोड़ा सा ही बॉईल करना है, बिल्कुल 10%। और इसमें बस इलायची और लौंग डाल रही हूँ और इसमें आप गरम खड़े मसाला और भी जो आपके पास है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कढ़ाई में भर दी हूँ पूरा 1 कढ़ाई और मैं उस उनके रूम पे जाके पहुँचा दूँगी। तो यहाँ पर रायता भी नहीं बनाया तो बस कढ़ाई में अभी रख दी हूँ, जब रायता बनेगा तो साथ में दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे छू के देख रही थी, दाना जो है बहुत अच्छे से टूट जा रहा था, 2 भाग में बढ़ जा रहा था, तो अब इसको छान के रख लेंगे। तो आज वीकली ऑफ था इसलिए लोग प्लान बनाए कि आज चिकन बिरयानी बनाओ, तो ऐसे 2 बार आज ये दूसरी बार मैं चिकन बिरयानी बनाई हूँ तो देखते हैं कैसा बनता है। ऐसे तो सारा कुछ जितना भी मैं काम किया हूँ तो अच्छा ही बना है, तो देखते हैं। तो ये सब जो लौंग था और इलायची था वो खाते से मैं मुंह पर ना आए इसलिए बस इसका फ्लेवर निकल गया और इसे साइड पर रख देते हैं। अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और चिकन डालूंगी। तो अब ज़्यादा देर नहीं है, चिकन बिरयानी बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि सारा प्रिपरेशन मेरा रेडी था। तो यहाँ पर जो मैगनेट चिकन था उसको आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दी थी, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा जो भी पीसेस है उसको नीचे डाल देंगे और बस उसका जो मसाला वगैरह वो ऊपर से डालूंगी। तो यहाँ पर दे सकते हैं फ्राई नहीं करना है, बस ऐसे डालना है। अब बस इसकी लेयरिंग आपको अच्छे से तैयार करनी है, तो सजाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे पिज्ज़ा हो चाहे तो चिकन बिरयानी बनाना हो, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे कुछ इस तरह का प्रिपरेशन करना। तो यहाँ पर बिल्कुल आधा चावल डाल दे रहे हैं और आधा 2 लेयर में बनाऊंगी, आप 1 लेयर में भी बना सकते हैं। और सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा था, देखते हैं टेस्ट में ये कैसा बनता है। तो यहाँ पर चावल डाल दी थी और उसके ऊपर से जो फ्राई किए थे ऑनियन वो मैं डाल दे रही हूँ, तो आधा ऑनियन डाली थी, आधा मैं 1 लेयर में और डालूंगी। और यहाँ पर ये फूड कलर था
ऑरेंज फूड कलर, तो वो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और यहाँ पर बिरयानी मसाला था, बिरयानी मसाला डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा दूध डाल दे रहे हैं ऐसे। ये मेरे पास केसर नहीं था, तो आप प्लेन दूध भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर गरम मसाला भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और गरम मसाला, चिकन मसाला, ये सब आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा, जैसे बहुत अच्छा ये बनेगा। तो मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल दी थी, और ये चिकन मसाला है, ये चिकन मसाला भी मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दी हूँ। अब बस एक लेयर और चावल का आपको चढ़ाना है, तो यहाँ पर चावल बस मैं डाल दी हूँ। अब इसमें जो बचा हुआ ऑनियन है वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। देख सकते हैं कितना अच्छा प्रिपरेशन मेरा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में इसका लेयरिंग। और देखिएगा बनने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर सब कुछ मेरा हो गया था, तो यहाँ पर मैं भूल गई थी घी डालना, तो अभी मुझे जस्ट याद आया, तो बस अब साइड साइड से थोड़ा घी डाल देंगे। तो बस यहाँ पर घी डाल दिए हैं, और इसमें जो भी चम्मच में थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो सब सब डाल दिए हैं। और बस इसका ढक्कन लगा देना है, ऊपर से कुछ भारी सामान रख दें ताकि ये अच्छे से सीख जाए। और इधर ये जो चिकन बिरयानी था वो मैं बस उनको, भैया को देने चली गई, तो यहाँ पर उनको दे दी हूँ। और यहाँ पर रायता भी बनाए नहीं है, तो चिकन बिरयानी पहुँचा दिए हैं और रायता बस अभी थोड़ी देर में दूंगी। तो यहाँ पर मेरा चिकन बिरयानी रेडी हो गया था, आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था, बहुत डेम्पटिंग देखने में लग रहा था, और देखते हैं खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगा। इधर उसके साथ बना रही हूँ बूंदी वाला रायता, जो इसके साथ बहुत अच्छा जाता है, तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। इसका शॉर्ट वीडियो मैं डाली हूँ, तो मेरे चैनल पर आप ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो रायता है ये भी मैं यूट्यूब से ही सीखी थी, पहली बार बनाई हूँ यहाँ पर। तो रायता भी बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, दोनों खाई तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप का लग रहा था। तो यहाँ पर बस ये सिंपल सा ये रायता बनता है, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। ये रेडीमेड बूंदी रहता है, बस आपको मसाला तैयार करना है, नमक, काला नमक देना है, और बस छौंका डालना है। तो आपको ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।